तो आज हम बात करेंगे रून के बारे में, बहुत दिनों के बाद आखिर क्यों मैं आज ही बात करने के लिए चूज़ कर रहा हूँ, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। बिटकॉइन के बारे में आपको बताऊंगा, आपको सारी अपडेट आज ही मिल जाएगी। सीपीआई के ऊपर भी बात करेंगे। तो लेट्स गो राइट इनटू द वीडियो विदाउट एनी डिले। यहाँ पर कोई भी बकवास नहीं होगी, सीधा चार्ट के अंदर चलते हैं, टीए करते हैं जो करने आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कंटेंट अच्छा लगता है सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, ट्विटर पर भी मैं अवेलेबल हूँ। कोई क्वेश्चन कोई क्वारी हुआ करे जाके सीधा मेरे ट्विटर पर पोस्ट कर दिया करो, मुझे टैग कर देना, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलते हैं डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर चार्ट के अंदर। जब हम लोग इस चार्ट के अंदर आते हैं तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये तो बिटकॉइन का है, चलो हम पहले रून देखते हैं। बिटकॉइन तो कर रहा अपना काम, यहाँ पर हम रून में आते हैं तो रून में हमें देखने को मिलता है डेली के चार्ट में पंप, एक अच्छा ग्रीन कैंडल्स के साथ साथ पिछले 6-7 दिनों में काफ़ी अच्छा रून पंप कर रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा 0.85 पे मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर ऑर्डर्ड सम। और यहाँ पर मैं आप लोग को एक ट्विटर का ट्वीट दिखाऊंगा अपना, ये वाला, रून लॉन्ग टर्म इज स्टिल बुलिश बट इन शॉर्ट टर्म इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। ये मैंने मार्च 10, 2023 को ये ट्वीट डाला था इसको लेकर। और मैंने जब रून 1.219 समथिंग लाइक दैट चल रहा था, थोड़ा बहुत मैंने बाय बीच में ऊपर भी किया था। ये सपोर्ट टूटने के बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक एरिया, माय बैड, ये 90 सेंट से लेकर 85 सेंट्स का जोन मैंने क्लियरली बोला हुआ है अपने टेलीग्राम पर भी, और कई जगह पर या फिर उस समय की वीडियोस में मैंने क्लियरली मेंशन किया था। तो इसीलिए मैं इस कारण से इस पर कोई वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि जब वो रेंज निकल गई हमारी यहाँ पर इस जगह पर, देखो उससे भी इनफैक्ट नीचे गए थे 78 सेंट तक, वहाँ 85 पे अगर आपने बाइंग लगाई तो आपने बाय किया। इनफैक्ट मेरे साथ में मेरे क्लाइंट्स हैं कई सारे जिन्होंने 85, 98, 90 सेंट्स पर बाइंग की है, जिनको हमने दिलाया, और वहाँ से काफ़ी अच्छा पंप भी है। अभी के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इसमें, पहले तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हॉप इन नहीं करो इस ट्रेड में। क्यों? यहाँ पर देखो एक सॉलिड छोटा मोटा रेजिस्टेंस है डेली का, अभी इसको क्रॉस कर लेने दो 1.19 के ऊपर, यानी 1.2 के ऊपर। मेरा टारगेट शॉर्ट टर्म ये रहेगा कि इस रेंज के अंदर ये दोबारा से आ जाए। तो दोबारा से आने का मतलब है टारगेट ये रहेगा अभी पहला 1.4 से लेकर 1.6 के बीच का इस एरिया के अंदर, ठीक। अगर वहाँ से गिरता है तो आप एग्जिट कर सकते, उसी जगह पे एग्जिट कर देना बेरिश अगर सिग्नल देखते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। वो अब से मैं इसको चार्ट को अपने उसमें वॉच लिस्ट में लगा लूँगा, ठीक। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो एक चीज़ तो ये होगी, पहला टारगेट आपका 1.366 से लेकर 1.627 तक का बीच में हो सकता है, इस रेंज तक की आपका टारगेट रहेगा। अब इसकी मैं फंडामेंटल भी बता देता हूँ, इसमें बर्निंग होने वाली है। थॉट स्वैप इसका खुद का टोकन था, वो तो काफ़ी ज़्यादा उठ गया। तो वही है कि इकोसिस्टम के अंदर अगर आप जल्दी खोज लेते हो तो आप अच्छा पैसा बनाते हो, 250% वो पंप हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर CPI की पहले, तो CPI में यहाँ पर क्या हुआ है, जून 2022 के आस बाद में अब जाके हमें एक 0.2% का इंक्रीज़ देखने को मिला है जुलाई 2023 में, विच इज़ नॉट गुड। जिसके बाद हमें देखने को मिलती हैं कि कई सारी स्टॉक मार्केट्स और जितनी भी मार्केट्स हैं वो रिड्रेस करती हुई दिखती हैं। रिसेंट में बहुत अच्छी रैली भी खैर कर दी थी इन लोगों ने, तो इनको गिरना तो थोड़ा बहुत बनता ही था। जैसे आप देखोगे बहुत क्लियरली कि जो मार्केट है वो यहाँ पर रीटेस्ट कर रही है हमारा, ठीक है, ये देखो रीटेस्ट कर रही है, डेली में आते आते हमारे ही जोन में आ गई। अब मुझे लगता है कि यार इस तक का रीटेस्ट तो बनता है 44 से 10 या फिर 44.10 तक का S&P का, ठीक है। तो इस जगह पर यहाँ तक के रीटेस्ट बनता है 4400 या फिर 10 तक का, और वहाँ से फिर यहाँ पे आएगा जो एरो मैंने आपको बताया था 4800 तक का पंप आ सकता है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मंथ में आया, इसका मतलब ये नहीं सक्सीडिंग मंथ में भी आएगा CPI बढ़ा हुआ। अगर अगले महीने भी CPI बढ़ा आ जाता है और इससे बढ़ा आता है, अगर बढ़ता है या फिर बढ़ता है लेकिन 0.1 मान लो बढ़ता है तो हमारे लिए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर अगले महीने 0.3, 0.4 ऐसे कुछ बढ़ता है तो हमारे लिए साफ ये इंडिकेशन होगा कि इन्फ्लेशन ऑन द राइज अगेन है और ये पिवट करने का टाइम नहीं है अभी। फेड जो है अभी और थोड़े टाइम तक ये करेगा, हमारे यहाँ पर हाइक्स वगैरह करता रहेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं हो सकती हमारे लिए। बात करते हैं DMT टोकन की, मैंने आपको बताया था इसको अगर आप लोग मॉनिटर कर रहे हो कॉन्स्टेंटली तो आप इसमें पैसा बना रहे होगे। इसके कुछ लेवल्स हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं, 41 आया था, 47 फिर हो गया और उठता ही जाता है, गिरता है, उठता है, काफ़ी ज़्यादा गिरता है। अगर आप इसको बाय कर सकते हो तो आप इसे इथेरियम की चेन, आर्ब की चेन पर बाय कर सकते हो, ठीक। ये टोकन अवेलेबल है वहाँ पर। इस टोकन के बारे में मैंने बताया था, लॉन्ग टर्म व्यू उसका बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा पंप कर सकता है इन द लॉन्ग टर्म ये, ठीक। इस टोकन को अपने पास रखे ही रहना, इसको मत भूलना, ठीक। और हाँ, मुझे बिटकॉइन की आपको अपडेट देनी थी तो बिटकॉइन का देख लेते हैं। बिटकॉइन में एक अच्छी, इस समय जब अभी वीडियो बना रहा हूँ तो शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ, अभी मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी उठाएगी, ये 2 घंटे की कैंडल है ना, तो ये 450-440 तक ही आएगी मार्केट, ठीक। और अभी मार्केट गई थी 29,220, तो यहाँ की लिक्विडिटी उठाई। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास लॉन्ग करने के जोन कौन से हैं, पहला लॉन्ग जोन यही वाला है
29,000 पे ऑर्डर्स लगे हुए अच्छे खासे, 29,000 के एरिया के अराउंड, और अच्छा ऑर्डर वही है आपका 28,400 से लेकर 28,700 के बीच का, ठीक। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग मैं इस बार यहाँ पे करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि मार्केट इस बार स्ट्रेंथ शो कर चुकी है, स्ट्रेंथ शो करके यहाँ पे विक्स बनाकर वापस से नीचे आ रही है, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ एक अच्छा बैट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा कॉन्जुकेटेड एरिया है, ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर सिर्फ विक्स गई हैं, बट यहाँ पर कैंडल ने टाइम स्पेंड किया है, तो इस जोन के अंदर मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा 29,000 के आसपास, ये मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो एक छोटा मोटा लॉन्ग भी होगा तो मैं नीचे SL लगा लूँगा, और सिंपल SL ऐसी ट्रेड लो कि SL इसके नीचे लगाने की नौबत है, इसके नीचे नहीं, क्योंकि इसके नीचे आओगे तो हिट कर जाओगे, देख लो विक यहाँ पर कई सारी है, तो आप लोगे कहाँ बाय कहाँ करोगे सब पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट रून की हमने बात कर ही ली, रून में बर्निंग भी होने वाली, वो न्यूज़ मैंने आपको बता दी। सोल की बात कर लेते हैं, सोल में डेली की बात करते हैं पहले कि सोल डेली में क्या कर रहा है। डेली में सोल ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस टच किया 24.83, जो मैंने मेंशन किया भी है पहले, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है वो यहाँ तक आना चाहिए 25 से लेकर 26 के बीच में, ठीक। 25-26 के बीच में आएगा, फिर वहाँ रिजेक्शन करता है तो हमारे लिए ख़राब है, वहाँ पर रुक जाता है तो अच्छी चीज़ है। तो फिलहाल सोल को लेकर मैं काफ़ी बुलिश हूँ, और मेरा टारगेट यही रहेगा ये $32 तक का, ठीक। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं CFX, जो कि रुला रहा है काफ़ी ज़्यादा, कोई मूवमेंट इसमें कुछ देखने को मिल नहीं रहा, सपोर्ट पे ही रुका हुआ है, अभी कुछ भी इसने इंटरेस्टिंग किया ही नहीं। देखो पहले तो इसका इंडिकेशन ये भी है कि CFX यहाँ पर होल्ड अच्छा कर रहा है, बाइंग हो रही है, जब तक ये बायर्स नहीं खत्म हो जाते तब तक ये यहाँ से गिरेगा नहीं, और हो ये भी सकता है कि इसका एक भी कैटलिस्ट यहाँ पे आए तो यहाँ से बहुत अच्छी उछाल मार देगा, ठीक। तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है CFX में हमारे, और इसको काफ़ी दिन से मेरी एक लॉन्ग पोजीशन ओपन भी है, और वो ओपन ही अभी छोड़ी हुई है मैंने इसमें CFX में लॉन्ग। तो ये जो CFX का मेरा 2x 3x लॉन्ग खुला हुआ है वो यहाँ पर खुला हुआ है, और इसी जोन पर मैं रखे हुए 19-18 cents की मेरी बाइंग है, तो मैं उसको रखा इसलिए ही हुआ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा खासा पाथ इसमें आ सकता है। देखो चार्ट को देखो, मेरा एनालिसिस कह रहा है कि थोड़ा सा सपोर्ट में एक अच्छा बाउंस ज़रूर देगा, अपर एंड तक तो दे ही सकता है 21 सेंट्स और 26 सेंट्स के दो मेरे टारगेट रहेंगे CFX में, ठीक। और कुछ टोकन्स की हम बात करेंगे, जिनमें से हमारा यहाँ पर एक और टोकन होगा FTT। FTT क्या कर रहा है, FTT का पैटर्न आप देख सकते हो, रिकॉग्नाइज करोगे अगर आप देखोगे, तीनों साइक्लिक मोशन है, और साइक्लिक का मतलब मेरा यही है कि यहाँ पर 1.1 और 95 सेंट्स, ये दो सेट सपोर्ट है, बहुत अच्छे सपोर्ट हैं, और भी बाइक कर सकते हैं। मेरा अभी बाइंग यहाँ ऊपर की है, मैंने आपको बताया हुआ है 1.4 1.6, जिससे अभी तो खासम खास मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब इफेक्ट पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि जहाँ पर मेरा रिस्क टॉलरेंस ख़त्म हो जाएगा, जहाँ मैं रिस्क लेना बंद कर दूंगा इसमें। एक और टोकन की बात मैंने आपसे की थी, वो है AVAX। AVAX क्या कर रहा है, AVAX अभी भी हमारी रेंज में ही है, 12.6 से लेकर 11.9 के बीच का, और इस रेंज को जब तक सपोर्ट करता है हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ ही है। देखो इस तरह का सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट पे हमारे पास एक अच्छा न्यूज़ ही है, ठीक। और 10.9 समथिंग एक अच्छा सपोर्ट है नीचे की ओर, अगर बात करें तो यहाँ पे टच करते हुआ आया, लेकिन मेरे ख्याल से VP VR का मैं ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करूँगा, और VP VR से मैं समझूंगा कि ये ज़्यादा बेहतर होने वाला है बाइंग के लिए, ठीक है AVAX की। तो दैट इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ट्विटर पर आप लोगों को मिलूंगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।